जेठानी, देवरानी, आओ बैठ के बात करते हैं। चलो देवरानी, तुम्हारी कुंडली है मेरे पास, बोलती जाओ। तुम आते ही सास ससुर को अपने बस में कर लेना चाहती हो, जिससे तुम उनकी लाडली बहू बन सको। और जब तुम लाडली बन जाती हो सबकी, तो हम जेठानियों को न्यारा करवा देती हो। तुम आते ही ऐसा जादू टोना करती हो घर वालों पर, जिससे घर के सारे कायदे कानून बदल जाते हैं। जैसे कि बहुएं सूट भी पहन सकती हैं, बाहर घूमने भी जा सकती हैं। गुड, आई लाइक इट। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है? तुम जेठानियां चाहती ही नहीं कि देवरानियां आएं, जिससे तुम्हारा राज कायम रह सके। तुम्हारे लिए घर वालों ने देवरानी के आने से पहले खूब किया होता है, फिर भी तुम्हें देवरानी के आने के बाद उतना ही चाहिए जितना देवरानी को तो दिया जा रहा है। देवरानी के आने से पहले तो सास ससुर की बैंड बजा रखी होती है, और देवरानी के आने के बाद उन्हीं सास ससुर में ऐसे घुसती हो जैसे कितना प्यार है तुम्हें उनसे। गॉड, गजब की दोगली होती हो तुम। तुम्हारे आने से पहले पूरा घर संभाल कर रखा होता है मैंने, क्योंकि तुम्हारे पास कंपटीशन के लिए कोई दूसरा और होता नहीं है। मेरी पावर को मत भूलो, जेठ जी को याद दिलाओ। तुम ये मत भूलो घर की बड़ी बहू में, बहू बड़ी हो या छोटी, अधिकार दोनों का बराबर का होता है। चलो निकलो यहाँ से।